Dear students, I am again here with you and uh, we are reading Porus and his elephant. Just uh, like we have in but I would like to inform you one thing. So please, please go through my first lecture, uh, for my first video in which I have discussed with you. There's some important techniques that poets often use in their poems um, the poetic techniques I would like to remind you are the rhyme seeking, um, personification, simile, metaphor and these are very important and uh, these you will uh, uh, come in contact in different poems here I to tell ये जो मेरा लेक्चर पहला था लेक्चर जिसमें मैंने पॉलिटिक टेक्निक्स आपको समझाई थी से सिमिली मेटाफर परसोनिफिकेशन और रैम स्कीम उसको आप बार बार देखेंगे उस वीडियो को ताकि आपको एक ही साथ पता चलेगा कि कैसे पॉलिटिक टेक्निक्स सिमिली को किसको कहते हैं मेटाफर किसको कहते हैं इन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो इसी वजह से जो मैं यहाँ पे आप थोड़ा एलोबरेट कर रहा हूँ अपना इस लेक्चर क्योंकि जो कल हमने जो तीन स्टेजाज हमने पढ़े हैं इससे आगे हम चौथा अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं थोड़ा रिकॉल करना चाहता हूँ आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो पार्टिक टेक्निक यहां पे इस पॉइंट में भी जो शायर है मैरी डॉबसन उसने इस पाइम में पोर्स एंड हिज एलिफेंट में यूज किया है तो इस नाते मैंने एक बात यहाँ पे कही जैसे मैं फिर पढ़ूंगा आपको जहन में आएगा कि इसमें कौन सी पॉइटिक टेक्निक है recording is बाय and scant. शॉर्ट एंड a दिस इज can टेल die, कैन नेवर डाई टोल्ड ऑफ ए किंग एंड एलिफेंट आउट ऑन द प्लेन वायर द वॉटर्स गो आउट ऑन द the ऑफ द both the किंग went टू meet इज फोर किंग इन इज बैटल प्राइड ड्रॉन ऑफ इज एलिफेंट इन रे स्टैंडिंग इन स्टेट इन in unbroken रैंक while एलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्रे लेड ऑफ his troops ऑन द अदर बैंक अब देखिए एक टेक्निक जो आपको अच्छी तरीके से अब शायद मुझे लगता है समझ आई हो कि वो है राइम सिक्किम तो राइम सिक्किम आप देखेंगे यहां पे यहां पे वर्ड बाय है यहाँ पे सैंट तो ये और ये नहीं मिलता है राइट बाय डाई के साथ मिलता है सेंट एलिफेंट के साथ मिलता है तो यहां पे इसको हम ए करेंगे यहां पे इसको बी या ए यहां बी तो इसी तरीके से यहां पे भी ऐसे राइमिंग वर्ड्स हैं जैसे गो फो वाइड प्राइड रैंक बैंक तो इस तरीके से जो भी राइमिंग वर्ड आपको आता है उसको सेम नंबर आपको देना है जैसे बाय एंड डाय हमने ए ए दिया सेंट और एलिफेंट को बीबी -बी। इस तरीके से गो एंड फो को ए ए देंगे वाइड और प्राइड को बीबी -बी। एरी एंड फ्रे को ए, ए और रैंक और बैंक को बीबी -बी। ये तो एक पॉलिटिक टेक्निक है जो आसान है आपके लिए क्योंकि तर्ज मिलता है आपको राइमिंग वर्ड्स आ, अलग करने हैं तो उसको तर जब मिलता है तो वही सेम अल्फाबेट से हम उसको मार्क करते हैं दिस इज वेरी इजी फॉर यू लेकिन एक और टेक्निक पॉइटिक टेक्निक शायर ने पहले ही इस तेंजा में आ, की है एक तो मैं बताऊं आपको कि ये जो दूसरी लाइन है दूसरी लाइन दूसरी लाइन यहां पे आप देखेंगे ब्रैकेट में है डेज ये डेज जो है डेज Whose recording रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड सेंड ब्रैकेट में है आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दूसरी लाइन ब्रैकेट में क्यों है हाँ अब देखिए जो ब्रैकेट में हम आ, आ, उस टाइम लगाते हैं जब आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रैकेट में हम उस टाइम ब्रैकेट यूज करते हैं जब आउट ऑफ कंटेक्सट का मतलब है जो बात हमें कहनी है और बात बात में हम कोई और बात, बात बोलते हैं तो उसको हम कभी कभी ब्रैकेट में लगाते हैं तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए क्योंकि देखो ट्रांसलेशन किसी चीज़ को आ, ट्रांसलेशन करना ही अहम बात नहीं है वो तो एक पहलू है इसका लेकिन चूंकि ये लैंग्वेज है इसमें आपको समझना है और भी क्या रमूजात है लैंग्वेज के उसको आपको समझना है पहले से ही तो ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ इसने किया है जब हम ब्रैकेट यूज करते हैं उसका मतलब है हम आउट ऑफ कंटेक्सट बात करते हैं हमको जो बात कहनी है लेकिन बाद में हम कुछ और बात बोलते हैं उसको हम कभी ब्रैकेट में लगाते हैं ठीक यहाँ पे तो आपको पता है शायर को हमें पोर्स एंड इज एलिफेंट की कहानी बतानी है लेकिन यहां पे कहता है पहले सेंटेंस में हियर ये टेल ऑफ द डे इज गॉन बे आप सुनो एक कहानी पुरानी कहानी पुरानी जमाने की एक कहानी सुनो एंड लिसन टू अ टेल जैसे मैंने कल कहा कहानी स्टोरी सो यू लिसन टू अ स्टोरी ऑफ एन ओल्डन टाइम्स डेज हुई शॉर्ट एंड सैंड अब उन दोनों की कहानी है जिनका जिसमें कोई कुछ, कुछ uh, उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी इन्फॉर्मेशन की उन दिनों की ये कहानी बोलता है इस तरह से आउट ऑफ कंटेक्सट बात बताता है तो इसलिए इसने ब्रैकेट में रखा एक बात अब दूसरी बात मैंने यहां पे इस को पहले स्टें को मैंने बोर्ड पे लिखा है बोर्ड पे अब लिखा है मैंने हियर या टेल ऑफ द डेज गॉन बाय डेज हु शॉर्ट एंड सेंट दिस इज टेल दैट कैन नेवर डाई टोल ऑफ ए किंग एंड एलिफेंट अब यू सी इट्स नाउ वेरी इजी एन अदर पॉइटिक टेक्निक यहां पे टेल की बात करता है कहानी दिस इज ए टेल ये एक एक कहानी है दैट कैन नेवर डाई जो कभी नहीं मर सकती है सो अगेन डाई मैंने कहा जब शायर किसी चीज को तजबी देता है इंसानों जैसी जब शायर किसी चीज को तजबी देता है इंसानों जैसी वेन द पॉइट गिवज ए क्वालिटी टू ए थिंग एज ह्यूमन बींग्स एज ह्यूमन बींग्स एज लिविंग थिंग्स एंड दैट इज कॉल्ड ए पॉइटिक टेक्निक दैट इज कॉल्ड ए परसोनिफिकेशन उसका हम परसोनिफिकेशन बोलते हैं ये बात आप मैंने आपको समझाई लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल आ गए इसलिए मैं बोल रहा हूँ परसोनिफिकेशन अब यहाँ पे टेल तो कहानी है कहानी तो नहीं मर सकती है तो डाई क्यों उसने लगाया है डाई का मतलब है खत्म होना फॉरगेट तो यहाँ पे इसके शायर के कहने का मतलब है दिस इज वो कहानी है दैट कैन नेवर डाई दैट यू कैन नेवर फॉरगेट सो so, डाई का यहां पे मतलब है फॉरगेट हम हाँ इसको कभी भूल नहीं सकते डाई का मतलब फॉरगेट डाई का मतलब मरना नहीं है इंसान मरता है जानदार मरता है हैवान मरता है जानवर मरता है कहानी नहीं मरती है कहानी लोग भूल जाते हैं सो फॉरगेट इज द राइट वर्ड फॉर डाई हियर ये मरना नहीं है ये भूल जाना है हाँ इसके दो फायदे इस शायर को आ गए एक एक तो यहाँ पे डाई लगाने से इसको ये राइम सिकिंग बन गई है बाय डाई बाय डाई राइम सिकिंग बन गई दूसरा इसने पॉइटिक टेक्निक यूज की है कि इसने परसानिफाई किया है उसने कहानी को परसानिफाई किया है इंसानों की तरह वो क्वालिटी क्वालिटी दी है जो इंसानों में होती है तो दिस इज अ टेल दैट कैन नेवर डाई मीनस ये वो कहानी है दैट यू विल नेवर फॉर गैट होप आपको ये दो पॉइटिक टेक्निक यहां पर समझ आए होंगे इनशाला अगले लेक्चर में हम कुछ और बातें करेंगे थैंक यू वेरी मच